नमस्कार दोस्तों, मैं गिरा हुआ। तो कुछ लोगों के वीडियो देखे कि नहीं देखे, खेसारी भैया का एग्रीमेंट हुआ है, गाना आने वाला है और वो लोग सोच रहे हैं कि गाना साफा बंद हो जाएगा। खुशी तो इसलिए मना रहे हैं, ऐसे मना रहे हैं जैसे कि उसकी बहनिया के साथ कोई फ्री में लेकर भाग गया हो कि चलो अब दहेज और तो उसको देना नहीं पड़ेगा, फ्री में उसकी बहन का कोनो लेकर भाग गया। ऐसे ढिंढोरा पीट रहा है फेसबुकर पर। अरे उसका पर्सनल प्रॉपर्टी पर तुम बोलने वाला होते कौन हो? गाड़ी ले लिया, बंगला ले लिया, इतना करोड़ की ये ले लिया, मतलब कि तुम्हारा फर्ज बनता नहीं है? अगर तुम्हारे पर बोल दिया जाए तो लगेगा बुरा कि देखो पर्सनल मुद्दा पर बोल रहा है। गाड़ी उसका पर्सनल है, जमीन उसका पर्सनल है, घर उसका पर्सनल है। अगर यही बात बोल दिया जाए कि तुम्हारे बहनिया को लेकर भाग गया है, फ्री में शादी कर लिया है क्या रे, तो कहे नहीं दिल में बुरा लग गया क्योंकि पर्सनल मुद्दा पर बोल रहा है। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर तुम क्यों बोल रहे हो? वो गाड़ी खरीदे, बंगला खरीदे या कुछ खरीदे या बर्बाद हो जाए। ये कह रहा है कि हम तो भगवान से मनाते हैं कि बर्बाद हो जाओ, लो अब तक के सारी भैया बर्बादे हो गए, अब अपने माई के आगे, भैया जी के आगे अब अगरबत्ती देखाओ, वही नहीं अपने बहनियों जी के आगे अगरबत्ती अब देखाओ तो बर्बाद हो गए खेसारी लाल यादव। अबे जाहिल आदमी, खेसारी लाल यादव जी पे एनी टाइम विरोध कर करके अपने माँ बहन को सब चट्टी किनने वाले, सुधर ना जाओ। दूसरे के मुद्दा पर क्यों बोलते हो? उसका पर्सनल मुद्दा पर कोई बोलने जाता है तुम्हारा पर्सनल मुद्दा पर? कितना लड़कियां अगर तुमने जिंदगी बर्बाद किया कोई बोलने जाता है? नहीं ना बोलने जाता। तो दूसरे का पर्सनल मुद्दा पर मत बोलो कि उसका जमीन खरीदाया, गाड़ी खरीदाया, बंगला खरीदाया या उसके पिताजी क्या पहनते हैं, इसका मुद्दा पर बोलने वाले तुम कौन होते हो? अग्रमेंट हुआ है, जिंदगी बर्बाद नहीं हुआ है, गाना भी आईबे करेगा, फिल्म आईबे करेगा, स्टेज होइबे करेगा, चुनाव में जाइबे करेंगे, ठीक है? तुम लोग तो ऐसा खुशी मना रहे हो यार, जैसा लग रहा है कि तुम्हारी बहन को शादी एकदम फ्री में हो गया है, बिना दहेज का ऐसा खुशी मना रहे हो। अरे चौथी पास राजा के चेला कह रहा है कि 5 करोड़ रुपया लेकर गाड़ी या बंगला खरीद दिया। अरे सही में चौथी पास राजा के चेला हो गया यार, जाकर पता कर ले पहले 30 लाख रुपया दिया गया है। एग्रीमेंट में ये था कि खेसारी लाल यादव गाना पहले देंगे 15 दिन तक, 1 महीना में 8 गाना देंगे तब उनको पैसा मिलेगा, फर्स्ट डाउन 15 दिन में 30 लाख, और फिर दूसरा महीना में देंगे अगर गाना आधा पूर्ति थोड़ा हो जाएगा उसके बाद, उसमें लिखा गया है कि तब पैसा देंगे 1.5 करोड़ रुपया। जैसे ही 30 लाख के गाना पूर्ति हुआ, खेसारी लाल यादव गाना देने बंद कर दिए, कहे कि भैया जितना गाना था उतना आपको हम पैसा ओला दे दिए, 30 लाख रुपया दिए, 30 लाख के गाना दे दिए, 5 करोड़ रुपया पेमेंट नहीं हुआ। अरे बोका पढ़ लिख लिया कर, ऐसे ही जनता को मूर्ख मत बनाओ। दूसरे के बेटी के जीवन बर्बाद करने वाले दूसरे के एथी में खुशी मना रहा है, यही बात लगा कितना बुरा लग रहा होगा ना। तो समझ जाओ कि किसी को बारे में, किसी के बारे में और किसी के बर्बादगी में जश्न मनाते हो तो उसको कितना बुरा लगता होगा, सोच समझ के देख। बाकी तुम पर मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन सोच कर देख पहले क्या होता है, बर्बाद हो गए, हो जाएंगे बर्बाद। हम देख रहे हैं तुम चल जाओगे होगा में नर्क में, जिस दिन खेसारी लाल यादव बर्बाद हो जाएंगे उस दिन तुम्हारा वीडियो नहीं चलेगा, वीडियो नहीं चलेगा तो आ जाओगे रोड पर साले। सोच समझ के बोलो कुछ भी, ठीक है? खेसारी लाल यादव जी के बर्बादी पर माँ बेटी बहन सब लोग जश्न मना रहे हैं। जा साले, इतना नीचता आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं तुम लोग जैसा। खैर बाय बाय।